समय तो बीमार थी, मतलब थायराइड, शुगर और भी बहुत सारिया प्रॉब्लम हुई। लेकिन ऐसी मैं लगता कि मैं छोटा ही जब थायराइड होया थी मम्मी नू, मतलब मिनिमम तुसी 10-12 साल तो पहले की गल है। हूँ टिक्की भी 175 एम एम की लग गई थी, तो डॉक्टर कहते हैं कि मतलब हूँ ये काम काज जोगी नहीं रहे। तो जो तो बहुत परेशान हो गया, आस्ता आस्ता बीमार, डॉक्टर ने बड़ा दिखाया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ के बीच, मम्मी हर जगह जितने किसी ने दसिया उतने लैके गए और सानू कितने भी आराम नहीं लग्या। दवाइया बहुत सारी खादिया, वधिया तो वधिया डॉक्टर ने दिखाया, वधिया तो वधिया टेस्ट करवाए हर जगह। हूँ देखो वधिया तो वधिया अतुल्या लैबोरेटरी जम्मू तो टेस्ट करवाए, है ना, मतलब कि कोई भी मैं कसर नहीं छी, मतलब कि पूरा जोर लगा लिया, जिन्हें कहते एड़ी चोटी का जोर, वही जोर लगा लिया मैं। लेकिन सानू कोई भी आराम नहीं मिलया। साडी थायराइड की टिक्की 25 तो शुरू हुई थी, 175 के उपर पुज गई। फिर असं बड़े परेशान हो गए, तो जिस तरह पवित्र बाइबल के लिखा कि जिस मच्छी के कोड़े खाने के नीचे चंगे हो चुके हो। अज मेरी मम्मी बिल्कुल ब्लैस है, चंगी है, कोई इन्हों कोई शुगर नहीं। मैं 6 बार टेस्ट करा चुका, कोई शुगर नहीं आ रही, कोई यूरिया नहीं आ रहा, कोई थायराइड नहीं आ रहा, सारिया दवाइया बंद हो चुकी हैं जिस मच्छी के नाम भी। और मैं तुम्हें गल दसा कि जो मेरी मम्मी बीमार थी ना, उस समय मेरा विआह भी नहीं होएगा, तो मेरी मम्मी जब रोटी बनाती थी तो मैं खुद आप अज भी मैं काम करता कोई गल नहीं, लेकिन मैं भांडे बारी सब कुछ मैं करता है, पोचा। ये नहीं आया ना कि मैं हूँ विआह कर लिया, मैं हूँ नहीं करता, मैं हूँ भी करता। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि मेरी मम्मी जब फुलके बनाती थी किचन के बिच, तो ऐसा सर्फ के उपर हाथ रख के जब मतलब गैस थले ला लेना, लत्तां बिछा के फिर फुलके बनाने। अज मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ब्लैस है, जिसमें मम्मी की आशीष है। अब मेरी मम्मी बहुत सारा काम भी कर लेती है, पैदल भी चल लेती है। मैं धन्यवाद करना प्रभु यीशु मसीह का और अपने दास दासी जी का जिन्होंने सानू प्रार्थना की साढ़े वास्ते। मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ इस टेस्टमनी के लिए, परमेश्वर ने सारे जीवन में बदलिया, मेरी मम्मी के जीवन में बदलिया, सानू बीमारियों तो चंगा किया। सारे जय मसीह।